फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 2024 न्यू अपडेट डीएवी सैलरी। एक्चुअली दोस्तों, जो पी कमीशन होता है दोस्तों डीएवी में, 7th पे और 6th पे के हिसाब से यहाँ पे सैलरी दिया जाता है। बट दोस्तों, जो परमानेंट टीचर्स होता है उन्हीं के लिए ये सैलरी दिया जाता है 6th पे और 7th पे लेवल के हिसाब से। तो वो सारा जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, 6th पे लेवल और 7th पे लेवल की कुछ PDF मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ऑथेंटिक डेटा था वो, कि उसी के हिसाब से सैलरी होता है, देख लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं ये शेयर किया था, 6th पे लेवल के हिसाब से ये सैलरी होती है। PGT, TGT, PRT, लाइब्रेरियन, ये सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अभी भी यही सैलरी है दोस्तों, 6th पे और 7th पे, कोई कोई स्कूल में 6th पे एंड कुछ कुछ स्कूल में 7th पे के हिसाब से सैलरी दिया जाता है PGT, TGT, PRT एंड लाइब्रेरियन एंड अदर स्टाफ्स के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट ये भी शेयर किया था, देख लीजिए, डिपेंड्स अपन प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स एंड अप्रोप्रिएट रेट्स ऑफ कंसोलिडेटेड सैलरी फॉर डिफरेंट पोस्ट्स डिपेंडिंग अपन फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कूल्स। आउटस्टैंडिंग और डिजर्विंग कैंडिडेट्स मे बी अलाउड रेगुलर स्केल ऑफ पे फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन प्रोबेशन। कैंडिडेट्स अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट अंडर 2.2 ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी मे बी अलाउड रेगुलर स्केल ऑन रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स तक देखा जाता है दोस्तों, फिर आप लोगों को परमानेंट किया जाता है, देन पे लेवल स्केल मतलब पे स्केल दिया जाता है दोस्तों। कन्फर्मेशन के बाद ही पे स्केल दिया जाता है, अदरवाइज अडॉक बेसिस में रखा जाता है। अडॉक बेसिस में और कंट्रेक्चुअल बेसिस में जब रखा जाता है टीचर्स को, तब स्कूल टू स्कूल वेरी करता है कि कितना सैलरी दिया जाएगा। मैंने तो आप लोगों को कहा था कि PGT में 30,000 तक भी वेस्ट बंगाल में दिया जाता है कंट्रेक्चुअल टीचर्स को, TGT में 27,000 एंड कुछ कुछ टाइम मैंने देखा है TGT में 28,000 तक भी दिया जाता है। इंक्रीमेंट होता है दोस्तों ईयर टू ईयर, बट बहुत ही लोएस्ट इंक्रीमेंट होती है दोस्तों DAB में एंड अदर स्कूल्स में भी। एंड PRT में 22,000 तक दिया जाता है कंट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए, अगर एक्सपीरियंस रहे तो 25,000 to 26,000 तक भी दिया जाता है। एंड लाइब्रेरियन एंड अदर स्टाफ्स के लिए भी वही तक 25,000 to 26,000 ऐसा ही दिया जाता है, और फ्रेशर्स के लिए 21,000 to 22,000 तक दिया जाता है दोस्तों, इंक्लूडिंग PF। तो दोस्तों, बात यह है कि अडॉक बेसिस पे अगर आप लोगों को रखा जाए तो जो स्केल पे स्केल होता है वो बहुत ही कम ही होता है दोस्तों, बट एज़ कम्पेयर टू द 7th पे और 6th पे लेवल बहुत ही कम होता है सैलरी, बट अदर्स प्राइवेट स्कूल से अच्छा ही होता है। एंड मेन बात यह है, अकॉर्डिंग टू द 2024 अपडेट, कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे रिव्यू भेजी थी कि कुछ लोगों ने मैनेजमेंट को पूछा था कि कितना सैलरी दिया जाएगा और अदरवाइज, एंड कुछ इन्फॉर्मेशंस मुझे मिला है कुछ लोगों से कि यहाँ पे होता ये है कि 1-2 साल तक भी एडॉक और कंट्रेक्चुअल बेसिस में रखा जाता है टीचर्स को। ऐसा भी होता है 4 to 5 ईयर्स तक भी एडॉक बेसिस पे भी रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो 1 ईयर का कंट्रैक्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस कभी कभी आप लोगों को बुलाया नहीं जाता है, अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है तो। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो फिर रिन्यू भी किया जाता है दोबारा बुला करके, बट आप लोगों को उसके लिए फिर से रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू तक देनी पड़ती है, डेमोंस्ट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोबारा 1 ईयर काम करने के बाद। बट आप लोगों को रिन्यू किया जाता है, बट नेक्स्ट ईयर तक आप लोगों को फिर से रिटन टेस्ट इंटरव्यू देना पड़ता है एंड आप लोगों को रिन्यू किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। तो यही प्रोसेस चलता आ रहा है दोस्तों, बट अगर लक अच्छी रहे तो 3 साल के बाद ही कंफर्मेशन दिया जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है DAV CMC एंड मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। पहले तो डेमो होता है CBT इस ईयर जो हो रहा है 2024 में, रिटन टेस्ट के बाद CBT फेज़ 1 के बाद CBT फेज़ 2 डेमो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंटरव्यू एंड देन फाइनल मैनेजमेंट इंटरव्यू, ठीक है। तो उसके बाद सैलरी के बारे में कुछ कैंडिडेट्स ने पूछे थे दोस्तों, तो कंफर्मेशन कब पाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, इसको लेकर के बहुत ही डाउट है, बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन है दोस्तों ये, क्योंकि कोरोना के बाद मतलब कि 2017-18-19 तक भी DAV ने कुछ बहुत सारे टीचर्स को भी परमानेंट किए थे, बट अभी परमानेंट होने का टेंडेंसी और परमानेंट होने का क्रेज़ बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि टीचर्स को 1 to 2 ईयर्स 3 to 4 ईयर्स तक भी कंट्रेक्चुअली रखा जा रहा है, रिन्यू हर साल रिन्यू करके रखा जा रहा है एज़ कंट्रेक्चुअल टीचर्स, परमानेंट नहीं किया जा रहा है एज़
मतलब कि डीएवी सीएमसी का जो जो अपना एक्चुअली पावर है और इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट है दोस्तों, उसके हिसाब से सैलरी अगर कंफर्मेशन दिया जाएगा, सैलरी भी उसको उन लोगों को 7th पे और 6th पे लेवल के हिसाब से ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण से ही टीचर्स को कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, ताकि मतलब कि ताकि उन लोगों को 6th पे और 7th पे लेवल के हिसाब से नहीं सैलरी देनी पड़ी। तो जितना भी अच्छी हो परफॉर्मेंस, इसलिए देखा गया है 4 to 5 years तक भी टीचर्स को नहीं परमानेंट किया जा रहा है। बट एक्चुअली दोस्तों, ये मैं डीमोटिवेट आप लोगों को नहीं कर रही हूँ, ये रियल स्टोरी बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द अपडेट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ 2024 इंटरव्यू। तो आप लोगों को करना ये है कि दोस्तों अच्छे से परफॉर्मेंस देना है, एंड ये परमानेंट कौन होगा ये टोटली निर्भर भी करता है वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि कॉमर्स का वैकेंसी, कॉमर्स का टीचर्स बहुत ही कम अवेलेबल है, इसलिए उन लोगों को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट किया जाता है। दोस्तों इंग्लिश टीचर्स को भी जल्द से जल्द परमानेंट किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश टीचर्स को सोशल साइंस भी कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है, क्वेश्चन पेपर बोलो या क्लास कंट्रोलिंग बोलो या सिलेबस कंप्लीशन के लिए बोलो, तो इंग्लिश टीचर्स को भी सोशल साइंस पढ़ाने के लिए कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर अच्छे से प्रिपरेशंस लेते रहे डीएवी के लिए, एंड जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए परफॉर्मेंस अच्छे से दे। एंड अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशंस ले, अगर बहुत ही नीड है स्कूल में जॉब करने के लिए तो आप लोग डीएवी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अदर्स प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसे ही सैलरी दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल, डीएवी में थोड़ी सी भी ज़्यादा सैलरी दिया जाता है दोस्तों, तो इसलिए मैं डीएवी में फोकस ज़्यादा करती हूँ, आप लोगों को बोलती हूँ। बट यहाँ पे परमानेंट होने का जो भी नियम है वो थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूजिंग है दोस्तों, कब किसको परमानेंट किया जाए ये क्लियर नहीं है। तो ये रियल स्टोरी मैंने आप लोगों को बताया अकॉर्डिंग टू द करेंट अपडेट 2024 कैंडिडेट्स ऑफ इंटरव्यू। तो डीएवी सीएमसी मैनेजमेंट बहुत ही कम लोगों को परमानेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताया, और ये है 6th पे लेवल एंड 7th पे लेवल के हिसाब से यहाँ पे सैलरी जो दिया जाता है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर दी थी, ठीक है। तो दोस्तों और भी कोई क्वेश्चंस ले रहे और 2024 इंटरव्यू का जो भी कैंडिडेट्स मुझे रिव्यू दे रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रिपरेशन अच्छे से लेते रहे, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।